हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अरे तो आज तक क्या मतलब तो मैं भी जा रहे हैं घूमने के लिए और रौनक भी जा रहे हैं। जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? रावण देखने चले। बोलो लाइक कर दो, साइड में कुछ सब्सक्राइब कर दो। हम जा रहे हैं, तो हम आ गए रामलीला मंदिर में। नगर से पालू सड़क के धुंधले के कारण इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें। नगर परिषद परिवार द्वारा लगभग 41 करोड़ रुपए से और जो है परिवार जहाँ पर बैठारी के भक्ति से लगा करके और सरस जरिन तक लगभग जो है अभी कुछ ही देर में रावण को जलाया जाएगा। पूरे नगर परिषद परिवार की ओर से परिवार का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसके साथ साथ में पूरे पाली शहर के अंदर जितने भी गार्डन हैं, उस गार्डन में लगभग 30 झूले और जिमा नगर परिषद द्वारा लगाए गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसके साथ साथ में पिछले 2 वर्ष हमने और आपने जिस तरह की जिंदगी को जिया है, पूरे देश और दुनिया के अंदर कोविड 19 के तहत जिस तरह से जो है आपदा आई थी, उस समय नगर परिषद परिवार ने लगभग 1,10,00,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट हमारे बांकुर हॉस्पिटल में लगवा करके हम सभी का सहायता की थी। हम सभी का पाली नगर वासियों को एक बहुत बड़ा जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा करके दिया था। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अभी अभी पिछले दिन हम और आप सभी देखते हैं पूरे पाली शहर में कोई भी भोगा न रहे, इस योजना को लेकर के नगर परिषद द्वारा 8 जगह पर रसोई इंदिरा रसोई का जो है काम चल रहा है, जहाँ पर की मात्र 8 रुपए के अंदर पाली से जयपुर तक लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पानी का जिस तरह से स्वागत हम सभी को दिया है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहन देखा राकेश जी भाजी से मिल करके और पानी की समस्या के बारे में अवगत करवाया और तुरंत प्रभाव से उन्होंने जो है इस बात को जो है पारित भी किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइएगा हम सभी इस कार्यक्रम को आप सभी के बीच में आगे बढ़ाते हुए जैसा जैसा खचाखच भरा हुआ रामलीला मैदान पाली राजस्थान। अभी हम आ गए रामलीला मैदान में। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा पाली शहर के हृदय स्थल से होती हुई रामलीला मैदान तक पहुंचने वाली है। स्वागत और अभिनंदन हमारे नवलखा टेंट हाउस, इनके साथ में हमारे बिच्छू
ये आतिशबाजियों का नजारा यहाँ पर मैदान में चल रहा है। रामलीला मैदान में पिछले 10 दिनों से लगातार रामलीला मंचन का भी यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे मांगू सिंह जी और उनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे जितने भी यहाँ पर मंच पर जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का भी नगर परिषद की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आतिशबाजियों का नजारा, ताली बजाओ जोरदार निकाल बोली श्यामा रामचंद्र जी महाराज की। शोभा यात्रा का नाम उनसे निवेदन की धंधा लेकर के बना रहे। शोभा यात्रा का जो रथ है, पुलिस प्रशासन से निवेदन की शोभा यात्रा के रथ को अंदर आने दे। पुलिस प्रशासन से निवेदन है शोभा यात्रा का जो रथ है उनको अंदर आने दे, आने के लिए रास्ता दे थोड़ा। आतिशबाजियों का नजारा और कुछ क्षणों में शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंची है। हमारे जितना दान किया जा रहा है हमारे 16 नंबर दुकान पर पहुंचे।